वीडियो बना रहा है ना, हम यहाँ पर आ गए ठीक करवाने के लिए। जो बार बार कर रहा है, इनका क्वेश्चन यही था, इनका क्वेश्चन यही था, उनका क्या, उनका क्या बंदिश। करने वाले को करने का फल जरूर मिलेगा। और बंदिश होती नहीं, होती नहीं है, और पैसे का पैसा जाता है। अब इसलिए तो कह रहा हूँ ना, लगातार जब करो, निरंतर आते रहो, एक टाइम में आके आपकी सारी जगह खत्म हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएंगे। वो भी असर खत्म, उनका करना भी खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, वो असर खत्म हो जाता है। आपको पता नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं जो 2 से 2.5 साल बाद ठीक हुए हैं, लेकिन सदा के लिए ठीक हो गए। आया ना समझ में? हाँ जी। और पितर क्या भूत प्रेत ही होते हैं? हाँ जी, पितर जो यहाँ पर होते हैं वे भूत प्रेत ही होते हैं। बोलो, जो जमीन पर होते हैं और जो पितृलोक में होते हैं वे पितर होते हैं असली। हाँ जी, मेरी वाइफ 19 तारीख पिछले महीने तबीयत खराब हो गई थी इनकी। मैं 1 महीने 6 दिन पूरा जो घूम के आया हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे को यहाँ के बारे में किसी ने बताया, वहाँ पर जाना। कौन सी बार आया? फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ आज। बैठ जा रहा हूँ भैया। हम यहाँ रहती तो लड़की ठीक रहती, घर जाते बीमार हो जाती। घर पे चीजें होंगी, अभी धीरे धीरे आओगे कट जाएगी। कौन सी बार आई है? हमको तो होगा 20-25 बार। ये कौन सी बार आई है? ये भी आई है 18-19 बार। हाँ तो आने दो, अभी आपके घर में कोई ना कोई चीजें होंगी, एक आध चीज नहीं होगी। जाना है सगाई है, फिर फरवरी में। हाँ तो जाके आ जाना ना, बीमार हो गए। लगातार मत आओ, एक एक सप्ताह रह जाओ, 1 महीने में 1 सप्ताह मुझे दो, ठीक हो जाएगी। हाँ, ये जरूर नहीं, प्रकृति का नियम है, जब तक चीजें नहीं कटेंगी पूरी की पूरी तब तक हो सकता है। मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, आराम भी पड़ेगा, लेकिन यहाँ रहती कुछ नहीं होता। गांव हाँ, गांव में होता है। इसका मतलब गांव में कोई ना कोई बैठा है या गांव में चीजें और बनती हुई है। फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम वालों के लिए कोई क्वेश्चन नहीं, अभी बैठ के बैठा। सीरियस है, अरे हाजिरी लग जाएगी उसकी, बैठ लीजिए। जैसे मैंने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा, तो मैंने आजकल जो योग रामदेव सिखा रहा है या और सिखा रहे हैं, क्या ये वो पूर्ण योग है या अष्टांग योग कुछ अलग है? पूर्ण योग तो केवल भगवान की प्राप्ति का योग ही पूर्ण योग माना जाता है, इसके अलावा कोई योग पूर्ण है नहीं। अब वो भगवान की प्राप्ति आपको यम नियम आसन के बगैर मिले, या यम नियम आसन से मिले, या आप अपने शरीर को साथ के ले, या केवल मन और बुद्धि को, मन और प्राण को साथ के ले, ये तो आपके ऊपर बात है, या केवल बुद्धि बुद्धि को साथ के ले। बुद्धि सत सकती है, मन और प्राण अलग अलग सत सकते हैं। तो मन से, प्राण से और बुद्धि से, बुद्धि से ज्ञान योग मिलेगा, प्राण से कर्म योग होगा, और मन से भक्ति योग होगा। क्योंकि मन को एक तरफ ले जाना, भगवान की तरफ ले जाना, तो ये तीनों ही चीजें हैं, मन प्राण और बुद्धि। ये भी किसी ने नहीं बताया आज तक, ये देख लो, मन प्राण और बुद्धि, ठीक है ना। जब मन शुद्ध हो जाता है, प्राण की प्रकृति अपने आप शुद्ध हो जाती है। जब प्राण शुद्ध हो जाता है, मन की प्रकृति अपने आप शुद्ध हो जाती है। और जब मन और प्राण दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं, तब बुद्धि की प्रकृति भी अपने आप ही शुद्ध हो जाती है। तब बुद्धि में जो विचार आते हैं वो उसमें पारंगत हो जाते हैं, वो ईश्वरीय ही विचार आते हैं। तब एक टाइम में आके ऐसा होता है कि ईश्वरीय ही विचार आपके अंतर में अंतर्भूत हो जाते हैं। मन प्राण और बुद्धि, मन को साधने से भक्ति मिलती है, कीर्तन गाने से मन सत्ता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे केवल मन सत्ता है। वो मन को साधने के बल्कि बहुत सारे उपाय हैं, और प्राण को साधने का तो एक ही उपाय है, प्राण योग, आगे ना समझ में। और बुद्धि को साधने का ये उपाय है कि बुद्धि से केवल हमेशा भगवान के बारे में विषय में चर्चा करें। लेकिन उसका किसी को अहंकार हो जाता है, उसको तत्व की बातें पता चल जाती है ना कुछ, वो अहंकार पूरी भाषा बोलने लगता है, और तब वो अपने से बड़ा श्रेष्ठ किसी को समझता नहीं है, तब वो भारी मात्रा में बहुत बड़ी अशुद्धि हो जाती है, गलती हो जाती, अब वो हमें करनी नहीं है। इसलिए मन को साधे, मन के साधे सब सध जाएगा, प्राण को साधे, प्राण के साधे सब सध जाएगा। इसमें भी बहुत सारे योग हैं, क्योंकि मन को साधने के लिए नाद योग का भी सहारा लिया जाता है, मन को साधने के लिए स्वरण कीर्तन निधिध्यासन अर्चन पूजन है ना, ये सब जो है इन सब का सहारा लिया जाता है, और भगवान की आरती पूजन अर्चन ये सब का सहारा मन को साधने के लिए लिया जाता है ना। प्राण को साधने के लिए प्राण योग प्राणायाम आदि का सहारा लिया जाता है, और बुद्धि को साधने के लिए इन सब की प्रकृतियां जब शांत हो जाती हैं तब आपको ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। बोलो जय शनिदेव।